अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपका अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अरसल के बाप की जिद और गुस्से की वजह से अरसल और ईशा की शादी का दिन करीब आ जाता है। जोनिया की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अरसल को खुदकुशी की धमकी देती है। जैद उसको समझाने की मनाने की पूरी कोशिश करता है, बल्कि उसको अपने रिश्ते की पेशकश भी करता है, जिसे वह बड़ी नफरत से ठुकरा देती है। जैद उसको समझाता है, तुम्हारी सगी बहन है, देखो कितना खुश है, उसकी खुशियाँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। जैद भाई और जोनिया की हर दर्मी की वजह से परेशान होता रहता है, उनकी निगरानी करता है कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। मेहंदी की रस्में शुरू हो जाती हैं। भाभी बात बात पर अरसल को एहसास दिलाती है, जोनिया अरसल तुम्हारा बहनोई है, तुम इसकी बहन हो, इसको मेहंदी लगाओ। जोनिया अरसल को खा जाने वाली नज़रों से देखती है, कितना कमज़ोर शख्स है, वादे उससे किए, शादी किसी और से कर रहा है। जैद जो कि भाई की निगरानी करता है, उसका सारा प्लान सुनकर हैरान हो जाता है, कैसे वो एक मासूम लड़की को धोखा दे रहा है जो उसको हर हाल में छोड़ना चाहता है, अभी नहीं तो शादी के बाद। अरसल की बारात आ जाती है, पर ऐन रुखसती के वक्त जोनिया हंगामा खड़ा कर देती है, केशा की रुखसती हुई तो वह जहर खा लेगी। सब इसको मजाक समझते हैं, मगर जोनिया जहर खाकर अपनी ही बहन की रुखसती ना सिर्फ रोक लेती है, बल्कि उसे तलाक भी दिलवा देती है। यूँ दोनों घरों के नसीब में बदनामी और रसवाई लिख देती है। ईशा तो सकते में आ जाती है, उसकी सगी बहन ही उसकी दुश्मन निकल आई, उससे पहले पता क्यों ना चला, उसने उसके बदलते हुए रवैये पर नज़र क्यों ना डाली, वो क्यों ना समझ पाई कि आखिर अरसल उससे बदसन क्यों होता जा रहा है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।